हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है। हम लोग फेलिक्स हॉस्पिटल में हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर ललित अग्रवाल हैं, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। हेलो सर। हेलो सर, एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो रिडक्शन सर्जरी होती है स्पेसिफिकली, तो ये जो प्रोसीजर होता है उससे कौन सबसे ज्यादा बेनिफिटेड होता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है? जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की बात करें तो नॉर्मली फीमेल्स में दो तरह की फीमेल्स आती है हमारे पास रिडक्शन के लिए। या तो जन्म से उनकी ब्रेस्ट का साइज ज्यादा है, एक ग्रोथ ज्यादा हो गई, जिसको कहते हैं मैक्रोमेस्टिया, ठीक है। दूसरी पेशेंट्स वो होती है जो कि प्रेगनेंसी के बाद, ये प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कुछ पेशेंट्स में, कुछ कुछ फीमेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। तो वो प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्रोथ हुई है, कुछ ग्रोथ धीरे धीरे करके कम होती है क्योंकि ब्रेस्ट एंगॉर्ज भी होती है लैक्टेशन के वक्त, बट कुछ कुछ पेशेंट्स में एंगॉर्जमेंट जब सब्साइड होने के बाद भी ब्रेस्ट ग्रोथ सफिशियंटली ज्यादा रहती है। तो ये पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको चेस्ट काफी हैवी लगती है, उनको उनके साइज के कपड़े नहीं मिलते। अगर उनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी के सबसे चेस्ट उनकी डिस्प्रोपोर्शनेट लगने लगती है, कई बार ब्रेस्ट की साइज इतनी हैवी हो जाती है, ब्रा के जो लाइनिंग होती है वो मार्क्स देने लग जाते हैं, उनको बैक पेन, नेक पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ आने लगते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स में ब्रेस्ट इतनी हैवी हो जाती है कि जब वो लेटती हैं तो चेस्ट की हैवीनेस की वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम लगने लगती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम कहते हैं कि इनको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करानी चाहिए। तो सर, सर्जरी से पहले और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या चीजें होती हैं? सर्जरी से पहले नॉर्मली हम ऐसे पेशेंट्स का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई ब्रेस्ट लम्स तो नहीं है, कोई और कोई इससे पहले पेशेंट ने कोई ब्रेस्ट सर्जरी तो नहीं कराई है, क्योंकि इसमें जब हम सर्जरी करते हैं तो ब्रेस्ट का टिश्यू का रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब है यहाँ का टिश्यू वहाँ का टिश्यू, यहाँ रीशफल करते हैं टिश्यूज को। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई अंडरलाइन ब्रेस्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, कोई कहीं मैलिग्नेंसी के चांसेस तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, किसी को कोई ब्रेस्ट के कैंसर के इश्यूज तो नहीं है, तो फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, कोई ब्रेस्ट लंप की सर्जरी कराई हो, तो मैमोग्राम्स कराते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स में अगर रिस्क लगता है कि हाई रिस्क है कुछ, तो उसमें एमआरआई जैसी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। प्री ऑपरेटिवली हम सारी मार्किंग्स करते हैं, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन देखते हैं, उनको प्री ऑपरेटिवली मार्क करके बताते हैं कि इतना लगभग लगभग टिश्यू हम निकालेंगे। तो वो पेशेंट अगर कहता है कि हाँ इतने से वो सेटिस्फाइड है तो हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये जो प्रोसीजर है, पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद रिकवरी टाइम कितना हो सकता है? रिकवरी टाइम आप ये मान के चलिए जो हम जो सूचर्स होते हैं, वो जो हीलिंग होती है, जो हमारा इंसिजन लाइन है, करीब करीब 2 हफ्ते में पूरी तरह से हील हो जाते हैं। और अगर नॉर्मल डेली रूटीन में अगर आना चाहें कि हाँ पेशेंट बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, तो 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। 4 से 6 हफ्ते। सर, सर्जरी के बाद इमीडिएट बेसिस पे क्या ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है? देखिए, नॉर्मली हम जो सर्जरी कहते हैं वही कहते हैं, अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो प्रेगनेंसी के बाद या तो कराए, अनलेस एंड अंटिल उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ब्रेस्ट साइज से, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त फिर ब्रेस्ट में के साइज में चेंजेस होते हैं। नॉर्मली ब्रेस्ट टिश्यू ग्रो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, तो अगर पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में है या बहुत ज्यादा उसको ब्रेस्ट लग रही बहुत ज्यादा हैवी है, तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप प्रेगनेंसी से पहले भी करा सकते हैं। बट अगर पेशेंट सिर्फ मिनिमल प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो उस केसेस में हम ये एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी कम्प्लीट कर लें, उसके बाद हम इसको करेंगे। रही ब्रेस्ट फीडिंग की बात, कुछ लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद क्या ब्रेस्ट फीडिंग हो पाएगी, तो डेफिनेटली इसमें आंसर नो नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। बट इसमें हम क्योंकि ब्रेस्ट का काफी टिश्यू निकाल देते हैं, ग्लैंड का भी काफी पार्ट निकाल देते हैं, बट हाँ एक सब्सटेंशियल अमाउंट हम छोड़ देते हैं, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबिलिटी के चांसेस रहते हैं कि पेशेंट में बी एबल टू ब्रेस्ट फीड। सर, तो लाइक अगर किसी का न्यूबॉर्न बेबी है और डिलीवरी को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, तो बाय दैट टाइम हम लोग प्लान कर सकते हैं उस पेशेंट को? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर, क्या इस सर्जरी का कोई भी रिलेशन हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इसे करवाते हैं तो? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सारी सर्जरी इंडिकेटेड नहीं होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त सिर्फ लाइफ सेविंग सर्जरीज या कोई ऐसी सर्जरी जिससे पेशेंट की लाइफ को एंडेंजर हो सकता है, वही सर्जरीज एडवाइजेबल होती है। ये सारी सर्जरीज अगर पेशेंट अवॉइड करे, कोई भी सर्जरी अगर मैं प्रेगनेंसी के दौरान कर ले, सेकंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर इज द सेफेस्ट पार्ट, क्योंकि हमको एनेस्थेसिया भी देना है, जीए देना है, जीए के ड्रग्स वगैरह का इम्पैक्ट रहता है जो न्यूबॉर्न बेबी जो फीटस है उसके ऊपर,
नॉर्मली अगर कोई भी सर्जरी हम प्लान कर रहे हैं तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, बट यूजली ये सर्जरीज अवॉइड करते हैं जी। सर क्या लिपोसक्शन सर्जरीज जो होती हैं वो रिड्यूस करने का ब्रेस्ट साइज में हेल्प करती हैं? देखिए डेफिनेटली ब्रेस्ट टिश्यू, अगर हम समझें ब्रेस्ट टिश्यू फीमेल की ब्रेस्ट को, तो फीमेल की ब्रेस्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रल जो पार्ट होता है वो ग्लैंडुलर होता है, ग्लैंड होता है मेजरली जो पार्ट है, और पेरिफेरी में उसके फैट होता है। तो अगर हम लिपोसक्शन की बात करें तो डेफिनेटली हाँ, लिपोसक्शन से कुछ अमाउंट ऑफ फैट हम सक आउट कर सकते हैं ब्रेस्ट से, बट अगर हम प्रॉपर रिडक्शन की बात करें तो वो नहीं होगा। दूसरी बात है लिपोसक्शन का डिसएडवांटेज ये है कि लिपोसक्शन आप ये समझिए कि एक थैली है जिसके अंदर चीजें भरी हुई हैं, आपने उसमें से सामान निकाल लिया तो थैली लूज होकर सैग करेगी, ठीक है। सिमिलरली आपने ब्रेस्ट टिश्यू था, आपने उसके अंदर से फैट तो निकाल लिया लेकिन स्किन एनवेलप तो उतना ही है, तो वो एम्प्टी कर दिया आपने तो ब्रेस्ट टिश्यू हैंग करेगी। तो आपने साइज तो थोड़ा सा हो सकता है आप कम कर दो, लेकिन अल्टीमेटली आप उस पेशेंट को एक सही ब्रेस्ट दोगे तो अगली बार वो कुछ महीनों के बाद आपके पास ये कंप्लेंट करके लेके आएंगे, सर मेरे ब्रेस्ट सैग कर रहे हैं, दे आर हैंगिंग डाउन। तो इसलिए अलोन लिपोसक्शन इज नॉट एडवाइजेबल। सर यूजुअली बहुत सारी सर्जरीज जो है वो इंश्योरेंस से कवर्ड होती हैं, क्या लिपोसक्शन में ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज जो होती हैं वो इंश्योरेंस कवर्ड होती हैं? डेफिनेटली ये डिपेंड करता है, उसमें कुछ कुछ कंपनीज में उसमें वेट का क्राइटेरिया होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वेट आप निकाल रहे हो, क्योंकि वो जस्टिफाई करता है कि पेशेंट कितना उसमें था डिस्कम्फर्ट में। अगर सपोज करो मैं 500 ग्राम निकाल रहा हूँ या फिर मैं 200 ग्राम निकाल रहा हूँ, तो हर इंश्योरेंस कंपनीज के कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कितने क्राइटेरिया में वो मानते हैं कि पेशेंट डिस्कम्फर्ट में होगा। प्लस इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन हाउ बाय व्हाट मेडिकल कंडीशन द पेशेंट वाज सफरिंग, लाइक चेस्ट पेन, नेक पेन, बैक पेन, कितना डिस्ट्रेस था उसको। कुछ कुछ मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इस प्रॉब्लम को कवर कर लेती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी सारे इन्फॉर्मेशन दिए रिगार्डिंग द सर्जरी रिकवरी एंड एवरीथिंग। स्टिल अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू राइट ऑन आवर कमेंट सेक्शन, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, थैंक यू।